रानी सा के बिना सब कुछ सुना सुना लग रहा है। लगना भी चाहिए, हमारी दीदी दिल है इस घर का, और दिल नहीं तो धड़कन नहीं, और धड़कन गई तो जान भी गई, है ना दिल के डॉक्टर? हमारी दीदी की जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता, और कोई लेना भी नहीं चाहता। हम तो बस यही चाहते हैं कि वो अपने घर वापस लौट आएं। लौट आएंगी जीजा साहब, जब उनके बाहर जाने की वजह ही इस घर से बाहर हो जाएगी तब वो लौट आएंगी। हमारा मतलब उनका गुस्सा। आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें? रिलैक्स करिए, हम रानी की बात नहीं कर रहे थे। मैं जानती हूँ कि आज मॉम के यहाँ पर ना होने से हम सबका मूड बहुत खराब है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज एक बार फिर एक परिवार की तरह हम सब साथ में खाना खा रहे हैं। पर अच्छा है तेरा गुस्सा उतर गया, वरना मुझे लग रहा था मॉम की तरह तू भी घर। ओ प्लीज, मेरा गुस्सा जायज था, मैं तेरी तरह फालतू में गुस्सा नहीं करती। ए, स्टॉप, तुम दोनों बहस करना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, बहस क्या करनी है ना नंदू। एक बार नंदू और कहा ना, फिर देखना मैं। अरे जाने दो ना, भाई है तुम्हारा, मजाक कर रहा है। अच्छा बात सही भी है वैसे, तुम अपसेट होती हो तो मन खराब हो जाता है, ऐसे लगता है हम प्रिंस जय सिंह अपने होने वाली वाइफ को खुश नहीं रख पाते। अच्छा चल सॉरी, मूड मत ऑफ कर, खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। ओके रुकिए, अब क्या हुआ? हमारी दीदी घर में नहीं है तो क्या उनके बनाए नियमों का पालन भी नहीं होगा? हम सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे। सब साथ में? लेकिन सब साथ में ही तो है। नॉटी बॉय, अपनी भाभी सा को भूल गए? वो भी अब इस परिवार का हिस्सा है। कुमार जी, घर की बहुरानी को बुलाओ। मासी साहब, इसकी जरूरत नहीं है, हम सब हैं, हम शुरू करते हैं ना। वीर, वो आपकी पत्नी है, ऐसे तो रिश्ते टूट जाएंगे। रिश्ते निभाने से होते हैं बेटा, आपको उनकी हर बात का ख्याल रखना पड़ेगा। हमने ठीक कहा ना राजमाता? कुमार जाइए, बुलाकर लाइए। ये लीजिए आपका मनपसंद खाना। अरे वाह, थैंक यू। रुकिए, ये क्या कर रही हैं आप? मेरा मतलब क्या कर रही हो रानी? खाना खा रहा है। ऊपर खाने के टेबल पे सब इंतजार कर रहे हैं आपका, तुम्हारा। अरे रानी अभी चलो मेरे साथ। अरे अरे, हम भोगे दाल चावल और इसे मिले शाही खाना, और मिल फूटी किस्मत। फाइनली टाइम मिल गया आपको बहू रानी सा। कहाँ थी आप? जी वो हमको बहुत ही भूख लगी थी ना, तो नीचे खाने बैठ गए थे। अकेले अकेले? ये तो गलत बात।